इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है राइट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है है पाकिस्तान जो इसके सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे में मसावी हैं इक्वल विद इन अ क्लास हो सकते हैं लेकिन आउट ऑफ द द्लास नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है तो सबसे बड़ी जो फिलानथ्रोपी है वो एजुकेट कर

शोर की पुख्तगी का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि वहाँ के अवाम अपने हकूक से किस कदर वाकिफ हैं अवामामी शोर और तरक्की लाजमुलमलज़ूम है आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान अजीद शेरवानी साहिब रेहान अजीद शेरवानी साहिब लॉ प्रैक्टिशनर हैं रिसर्चर हैं एक्डेमिक्स रिसर्चर हैं शायर हैं और बुनियादी इंसानी हकूक पर गहरी नज़र रखते हैं आज हम इनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे इंसानी हकूक होते क्या हैं इनकी अकसाम कितनी होती हैं और नाजरीन हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम अपने हकूक का तहफ़ किस तरह कर सकती है वेलकम टू द शो सर थैंक यू आपने टाइम निकाला uh, कैसे हैं आप खैरियत से अल्लाह का फजल है आप सुनाए अच्छे हैं बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर हैविंग मी है सर जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया आज हम बात करने जा रहे हैं बुनियादी अवामी हकूक के हवाले से तो सर बताइएगा कि हकूक होते क्या हैं इनकी अकसाम कितनी होती हैं और इंसानी और माशरती हकूक़ में फ़र्क क्या होता है ताहिर दुरानी बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने बात ये कि ये जो हकूक़ हैं अगर सिंगुलर इसको कहा जाए तो ये हक है और अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे राइट कहते हैं और ये इंसानों को अवेलेबल इवन के आज की मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें तो जानवरों को भी हकूक अवेलेबल है तो गुजारिश ये है कि पहले तो देखते हैं कि इंसान कौन है तो इंसान तो वो है जो मेरी और आपकी तरह की बॉडी रखता है तो उसके फीचर्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं कॉमन हैं तो हम क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं तो राइट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है एक्टली exactly. तो सिविलाइजेशन ये होती है कि किस काम को किस तरीके से किया जाए कि सबके लिए वो एक्सेप्टेबल हो तो राइट right, बेसिकली एक इंटरेस्ट का नाम है जो प्रोटेक्टेड बाय लॉ और ग्रंटेड बाय लॉ होते हैं किसी भी इंसान के लिए हम एक मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे एक टेरिटरी है और टेरिटरी के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं पीस मेंटेन करते हैं और अल्टीमेट जो पर्पस इस लिविंग टुगेदर का है वो फैमिली लाइफ है कि हर बंदा जो है उसकी एक फैमिली लाइफ हो और वहाँ वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसकी पूरी हो और वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे बेसिकली राइट जो है इट इज़ अ प्रोटेक्ट इंट्रस्ट बाई लॉ गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री तो राइट एक दिलचस्पी का नाम है किसी भी चीज में किसी भी शख्स की अगर वो दिलचस्पी लॉ अप्रूव कर दे तो वो राइट है तो राइट बेसिकली इंटरेस्ट हुआ किसी भी चीज में अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देखता हूं कि एक शख्स है उसने ब्रांड न्यू घर बनाया और वो उसमें ही रह रहा है तो आप उसके घर के पास से गुजरते तो आपका दिल भी करता है कि मेरे पास ऐसा घर हो तो क्या आपकी वो जो दिलचस्पी है वो अप्रूव्ड बाय लॉ है क्या आप उसके घर में जाके रह सकते हैं नहीं क्योंकि ये जो आपकी दिलचस्पी है ये अप्रूव्ड बाय लॉ नहीं है बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको वजाहत किया बहुत अच्छा लगा अच्छा सर ये बताइएगा कि इंसान की बात हो रही है तो इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है इसको हम किस तरह लोग इंसान का पहला बुनियादी हक हाँ तो ये है कि उसे साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मिले जब वो पैदा होता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसके इर्द गिर्द ना हो और उसे ऑक्सीजन मिले उसको अच्छी फूड मिले और उसके जो पेरेंट्स हैं जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वो फैमिली बड़ी वेल प्रोटेक्टेड हो वो और फैमिली वेल प्रोटेक्टेड उसी वक्त होगी जब उनके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे फंडामेंटल राइट्स का लफ्ज़ जो है इसका जो इसको जोड़ा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ा जाता है सही तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है और ये एग्रीमेंट है अमंग्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान और ये डॉक्यूमेंट है इसी से सारी चीज़ें स्टैम होती हैं और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो तलीम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए आप ये मैट्रिक के सिलेबस में होना चाहिए कि यार ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि उनको पता चल सके हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कैसे चलता है इलेक्ट्रोरेट्स कैसे चलते हैं हमारी जुडिकेचर क्या करती है हमारी पार्लियामेंट में कौन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है आइन जो है इसे मदर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है पाकिस्तान जो है इसके सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेम करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये वो राइट्स हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के कि इस जिनको स्टेट भी डिनाई नहीं कर सकते exactly. अगर स्टेट इसको डिनाई करती है तो आर्टिकल वन डबल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स को पावर देता है कि वहाँ पर आप रिट फाइल कर सकते हैं और उन रिट्स से आप अपने राइट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के वो डिक्लेयर कर दे आर्टिकल 184 के तहत कि ये जो राइट ये जो लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट कर रही है और वो मुतसादम है फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो उस लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं उसमें क्या है कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए बात करनी फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा बोलने का हक है मैं बोल सकता हूँ लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कदगनस लगा सकती है कि ये आप बात ना करें इतनी की इजाजत तो गवर्नमेंट को है लेकिन ये इजाजत नहीं है कि बिल्कुल ही उसको खत्म कर दे राइट right को तो आप देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है फ्रीडम ऑफ असेंबली है फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड है और इस तरह के और मेरे बहुत सारे राइट्स हैं जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देती है तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल बिल्कुल ठीक तो अगर ये मैं डिनाई कर दूँ या आपको गवर्नमेंट ये डिनई कर दे तो आपके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है तो राइट्स के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई लाइफ है अच्छा सर जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक के हवाले से ही तो एक आम शहरी के नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूंगा कि बुनियादी इंसानी हकूक जो है उसके लिए हमारा आइन क्या कहता है ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करते हैं तो ये एक वाइडर टर्म है बिगर टर्म है जो बेसिकली यूनिवर्सली इस्तेमाल होती है तमाम लोग जो कंट्रीज के आप समझेंगे कंट्रीज़ के लेवल के ऊपर टॉक होती है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं आप ह्यूमन राइट्स को माने या ना माने लेकिन आपने फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी है। तो इसका मतलब है जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स भी हैं तो कई ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिबेट हो रही है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ह्यूमन राइट्स इज़ अ बिग टर्म और बिगर टर्म है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वो राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे चुका है तो ह्यूमन राइट्स डिबेटेबल भी हैं उनमें से बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं जैसा अभी आप बात कर रहे थे इंसानी हकूक फंडामेंटल राइट्स पे तो इसमें आपने ये भी बात की कि अगर हकूक बुनियादी तौर पर लोगों को ना मिले तो कुछ इमरानी हलूम के माहरीन ये भी कहते हैं कि अगर इंसानी हकूक़ लोगों को ना मिले तो कुछ माशरे के कुछ लोग मतलब सारे नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जराम की तरफ रागब हो जाते हैं वो जराइम के मरतकब हो जाते हैं आप इसके बारे में क्या कहेंगे इंसान जो है ना ये एक बड़ा परप्लक्सड किस्म की पीशी है इसकी ब्रेन जो है, जो है जिसको आप जहन कहते हैं वो काम करता है इसकी ख्वाहिशें इसके अंदर दौड़ती हैं इसके अलावा ये बड़ा इमोशनल है फिर इसे ज़िंदगी बड़ी पसंद है तो अगर आप देखें तो इंसान ख्वाहिशों का मजमू और फिर वो स्ट्रगल करता है लर्निंग करता है एक्सपीरियंसेस से सीखता है तो इंसान एक्सपीरियंसेस से चलता तो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की जिसमें एजुकेशन है जिसमें फैमिली लाइफ है जिसमें इकोनॉमिक्स है अगर वो उसकी पूरी नहीं होंगी तो वो रिटेलिएट करेगा तो वहतें जो हैं लफ्ज़ बोल रहा हूं मैं वहशियतें उसके अंदर पैदा होती हैं और वहशियतें उस वक्त तो पैदा होती हैं जब उसकी बेसिक डिजायर्स पूरी नहीं होती तो फिर वो रिटेलिएट करता है तो सोसाइटी इस तरह कल्टिवेट होनी चाहिए कि हर शख्स की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों हर शख्स जो है वो किसी काबिल हो और वो काबिल कैसे होगा जब तक आप उसको स्किल नहीं सिखाएंगे जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे तो बेसिकली जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये कल्टीवेट तो सोसाइटी ने करनी है ना तो सही बात तो सोसाइटी मैं और आप हैं तो हम अगर मैं और आप हैं और एक नया आने वाला जो इंसान है इस दुनिया में हम उसको अगर अच्छी जगह नहीं फ्राहम करेंगे उसकी नर्चरिंग नहीं करेंगे उसकी नरिशमेंट नहीं करेंगे उसको एजुकेट नहीं करेंगे उसको एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग नहीं बनाएंगे तो वो रिटेलिएट करेगा तो फिर तो वो जाएगा क्राइम की तरफ तो बेसिकली सोसाइटी की जिम्मेदारी टूवर्ड एवरी सिटीजन ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी दें उनको एजुकेट करें उनको स्किलफुल बनाएं उनको इस काबिल बनाएं कि वो सोसाइटी में आके कंट्रीब्यूट कर सकें सके और मुआरे को बेहतर मुआरा तो मैं और आप हैं सही हाँ। बात अगर आप किसी काबिल नहीं है तो आपके पास स्किल नहीं है तो आपने बुनियादी जरूरिया तो पूरी करनी है ना बिल्कुल है सही। तो वो फिर आप क्रिमिनल तरीके से करेंगे और क्राइम जो है इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी तो आपको अर्ज कि सबसे बड़ी जो फिलानथ्रोपी है वो एजुकेट करना ये पैगम्बराना काम है बिल्कुल सर ये कि किसी को स्किल सिखा दें किसी को ए बी सी सिखा दें किसी को कुछ सिखा दें किसी को कुछ सिखा दें ताकि वो बंदा क्रिमिनल ना बने सही बात है तो क्राइम जो है उसका रेट बड़ा कम होना चाहिए सोसाइटी और फिर जिनको आप ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं अगर वो फिर काम करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट आप सवियर किस्म की दें क्या हमारे माशरे में जी जो हम बात कर रहे हैं मसावी हकूक मैसर हैं क्लास अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर्स हैं उनकी एक क्लास है तो उनके तो इक्वल राइट्स होने चाहिए लेकिन डॉक्टर का मुआवज़ा अगर आप इक्वल राइट्स के हवाले से इंजीनियर से करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है तो इक्वल राइट्स विद इन अ क्लास हो सकते हैं सही। लेकिन आउट ऑफ द क्लास तो नहीं हो सकते बिल्कुल ठीक तो आप कहें आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंजीनियर और डॉक्टर में तो वो तो होनी है क्योंकि उनकी क्लास फर्क है तो एजुकेशन के जरिए से सोसाइटी में क्लासेस बनती हैं बिल्कुल ठीक एक बीए वाला जो है वो एमए के बराबर तो नहीं है नहीं हो सकता एक इंटर वाला जो है वो बीए के बराबर नहीं है तो क्लासेस से डिनाई नहीं है लेकिन एफ वाले की क्लास में जो राइट्स हैं वो फिर सबको अवेलेबल होने चाहिए लेकिन जो बी वाले को अवेलेबल है वो एफ वाले को तो नहीं अवेलेबल होंगे सही तो बात ये है कि एक अच्छी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी क्लास को बदलें इस तरह क्रीडेंशल से एक्सपीरियंसिस से क्वालिफिकेशन से क्लासेस क्रिएट होती हैं आपने पहले बात की थी फंडामेंटल राइट्स की तो राइट में एक राइट जो होता है ना राइट right की जो अगली फॉर्म है उसे प्रिविलेज कहते हैं ठीक तो प्रिविलेज क्या होती है वो ये है कि वो प्रिविलेज ऐसा राइट है जो किसी और को अवेलेबल नहीं है सिर्फ आपको अवेलेबल है ठीक फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट में किसी पोजिशन पर हैं जो हाई रैंकड है तो वहां पर तो प्रिवेज हैं जो कि आपको तो नहीं अवेलेबल तो ये राइट की अगली किस्म जो है वो प्रिविलेज है और ये क्लास से डेवलप होती है क्रीडेंशियल से डेवलप होती है एक्सपीरियंस से डेवलप होती है बिल्कुल ठीक तो सारे बराबर नहीं है ये बात तो मैं नहीं मानता हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर आ, हम लफ्स शहरी से वाकिफ़ हैं और शहरी हकूक़ की बात भी करते हैं लेकिन हमें बताएं कि आईने पाकिस्तान में शहरी की तारीफ क्या की गई है हमारे पास एक सिटीज़नशिप एक्ट है प्रॉबेबली 1956 का है वो कहता है सिटीज़न वो है जो बाय बर्थ पाकिस्तानी इसके अलावा भी वो कहते हैं कि कुछ लोग जो दूसरे ममालिक से माइग्रेट करके आए हैं वो भी पाकिस्तानी हो सकते हैं जो पाकिस्तानी कानून है उसके तकादे पूरे करने के बाद तो सिटीज़न तो वो है जो यहाँ का है हमारा है जो सही तो आप लफ्जों में बोल लें कि हमारा है हमारे घरों में रहता है हमारे यहाँ पैदा हुआ है और हमने उसको नर्चर करना है वो कहते हैं मैं माजी में भी था मैं हाल में भी हूँ मैं मुस्तबिल में भी रहूँगा वो कैसे रहूँगा वो इसलिए कि मेरे आने से पहले जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे लिगेसी दी सही। उन्होंने नॉलेज दिया इलम दिया अब हमें नर्चर किया हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो पीछे आने वाले हैं हम उनको करें और हम चले जाएंगे फिर वो रहेंगे तो ये तो कनेक्टिविटी है माजी की हाल से हाल की मुस्तकबिल से बिल्कुल तो जो लोग इसको समझते हैं वो समझते हैं कि ये जो आने वाले बच्चे हैं ये हमारा मुस्कबिल हैं इन्होंने ही हमें सपोर्ट करनी है इन्होंने ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना है इन्होंने ही सोशलाइजेशन करनी है इन्होंने ही स्पोर्ट्स करनी है इन्होंने ही डिफेंस करना है तो सारी सोसाइटी को डायनामिक करना चाहिए वेरी राइट अच्छा सर अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो क्यों ना इक्वल अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें ताकि हमारे देखे ना देखें एक सीधी सी बात ये है कि वे डोंट बिलीव इन जेंडर इज्म अगर कोई लड़का है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी दे दें अगर कोई लड़की है उसको अपॉर्चुनिटी ना दें अगर दोनों लड़, लड़का और लड़की इक्वल डिग्रीज हैं उनके पास क्रीडेंशियल uh, सेम है तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो कंटेस्ट करें तो ये ओपन मैरिट है सही के कोई लड़का है या लड़की है तो उसकी क्या रेस है क्या रिलीजन है नो इशूज तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्प्लॉयर आपने सुना होगा इसका मतलब होता है कि भाई कंपीट करें आप हमें इससे गर्ज नहीं है कि लड़की कंपीट कर रही है या लड़का कंपीट कर रहा है वी आर नॉट जेंडर कॉन्शियस सही सर दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी पे भी बात की इंसानी हकूक पे भी बात की हम पे भी तो कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं तो एक माशरे की बेहतरी के लिए हम कितनी किस तरह से हम एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकते हैं इस पर ज़रा सा रोशनी डालेगी ताकि हमारे नाजरीन जो हैं और हमारे ख़ास तौर तो पर ताले जो हैं उनको पता चले क्योंकि वो हमारे आने वाले मुस्कबिल के देखिए जो ज़िम्मेदारी किसी एक बंदे पर फिक्स नहीं आप कर सकते ये पूरी सोसाइटी पर फिक्स करती है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने निभाई अब मैंने निभानी है और आगे जो आएंगे उन्होंने निभानी तो ये अगर मेरे पर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अकेले आ रही है कि मैं निभाऊँ ऐसा तो नहीं है तो पुरानों ने निभाई हमने निभानी है और आगे वालों ने निभानी है ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है बिल्कुल सही तो और एक और चीज़ है देखें जो ग्रीड है, है प्रेजुडिस है इससे आजादी लेना बहुत जरूरी ऐसी कौमें जो तरक्की करती हैं वो प्रेजुडिस नहीं होती वो डिसऑनेस्ट नहीं होती ग्रीडी नहीं होती वो अपने जो फेलोज हैं फैलो बींग्स जो हैं उनका उनको साथ लेके चलती हैं उनको भी सांस लेने का मौका देती हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं सेल्फिशनेस से निकलती हैं तो कर बला? हो बला। ग्रेट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि इसको शामिल करें कि अक्सर शोहर हजरात शादी के बाद अपनी अहलिया का नाम अपने नाम के साथ लगवाना चाहते हैं इस तरह से खातन किन मसाइल का शिकार हो सकती हैं एक हसबैंड का नाम है ख़तून का नाम उससे पहले आ गया तो हसबैंड का नाम है और ख़तून की जो नाम है खतून का वो उसकी सिफ्त बन जा तो सिफ्त उसको अटैच करेगी तो दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी में इजाफा होता है लगवाने में कोई अर्ज नहीं है ये तो फिलोसफिकल टॉक है अब आई लीगल तो लीगल में बड़ा ज़बरदस्त बात है एक एविडेंस डेवलप हो जाती है जब खातून नका हो जाता है तो उसके बाद नादरा में वो एंटर करवाती है तो उसका नाम तो उसके साथ अटैच हो गया तो ये तो एविडेंस डेवलप होगी कि ये फैमिली जनरेट हो गई ठीक है जब फैमिली जनरेट हो जाएगी तो खुदा ना खासा आगे कोई इशूज आते हैं तो एविडेंस है कि यह इसकी वाइफ थी ये इसका हस्बैंड था तो मेरा ख्याल है कि लगाने में कोई हर्ज नहीं है और कोई गदगन नहीं है लेकिन मैंने कई खुवात ऐसी देखी है जो नाम नहीं लगाती तो यूँ उनकी अपनी मनत होगी थैंक यू वेरी मच रेहान अजी शेरवानी साहब बहुत खूबसूरत मुदल गुफ्तु की आ, नाजरीन उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा और मैं आखिर में रेहान अजी शेरवानी से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे आवाम के लिए माशरे के उन अफराद के लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज दें मेरा मैसेज ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और दूसरा मैसेज ये है कि डनामिक लाइफ गुजारें तीसरा यह है कि सुस्ती और गफलत से निजात पाएँ चौथा यह है कि गरीब आदमी वो है जिसके इर्द गिर्द किताबें नहीं हैं और अगला मैसेज ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखें और सेल्फिशनेस से परहेज करें और अर्निंग्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी ज़्यादा हो और अर्निंग्स कम हो अगर इस प्रिंसिपल पे ऊपर हम काम करेंगे तो हम सब एक दूसरे को जीने देंगे और खुश रहेंगे थैंक यू वेरी मच इंडी बहुत शुक्रिया इसके साथ ही इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़